बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपसे शेयर करूंगी गाजर के हलवे की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसमें आपको गाजर को बिल्कुल भी कद्दूकश ग्रेट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको इसको चॉपर में चॉप करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से बग़ैर किसी तैयारी के हम इसे डायरेक्ट पैन में या पॉट में बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जिस तरह से रेगुलर हम गाजर का हलवा खाते हैं, बिल्कुल वैसा बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक पॉट ले लिया है। इसके अंदर मैंने 1/8 कप यानी कि 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है। इसके अंदर हम 1/2 किलो गाजरें ऐड करेंगे। गाजरों को बहुत अच्छे तरीके से धोकर मैंने उसको पील कर लिया था। पील करने के बाद दोबारा से उसे एक मरतबा धो लिया है और जो गाजरें थोड़ी साइज़ में बड़ी थी उनको हाफ़ कर दिया इस तरह से, और ये 1/2 किलो के करीब थी वज़न में। और हाफ़ करने के बाद कहीं से अगर इसका कोई ग्रीन पार्ट आपको नज़र आए तो वो निकाल दें, वो काफ़ी कड़वा होता है। मैंने इस तरह से निकाल दिया था और इनको हाफ़ कर दिया है। तो अब हम इसे देसी घी में अच्छी तरह से पकाएंगे 2-3 मिनट। 2-3 मिनट के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 कप के करीब दूध। आप चाहें तो 1 कप दूध और 1/2 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप दूध ऐड किया है और साथ ही हम बिल्कुल थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब इलायची का पाउडर ऐड करेंगे इसमें, ताकि दूध में अच्छी सी खुशबू आ जाए इलायची की। अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे जब तक के दूध उबलने ना लगे। जब दूध उबलने लगेगा अच्छे तरीके से तो 2-3 मिनट के बाद हम इस तमाम गाजरों को अंदर डिप कर देंगे इस तरह से, और इसके बाद इसको कवर करके पकाएंगे 1/2 घंटे के लिए। तो मैंने इसे एक नॉर्मल पैन में बनाया है तो इसलिए मैंने इसे 1/2 घंटे तक पकाया है। अगर आप प्रेशर कुकर वगैरह में पकाएंगे तो ये टाइम और कम हो जाएगा। 1/2 घंटे के बाद देखें इस तरह से ये गाजरें काफ़ी गल गई हैं बहुत अच्छे तरीके से। बीच में आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि दूध वगैरह ना लगे। देखें हम इसे, ये सॉफ्ट सा सिलिकॉन का स्पून है, इससे ही तोड़ रहे हैं तो ये टूट रही हैं। तो इस टाइम आपको आँच को मीडियम कर देना है और इसे मैश कर लेना है। ये काफ़ी सॉफ्ट स्पून है तो इससे मैश नहीं होंगी, तो इसलिए मैं एक जो हमारे घर में रेगुलर लकड़ी का मैशर होता है इससे मैश कर रही हूँ। ये नॉन स्टिक का पॉट है इसलिए आप इस तरह का कोई मैशर इस्तेमाल करें लकड़ी वगैरह का। तो इसको अच्छे तरीके से हमें मैश कर लेना है। बहुत ही आसानी से मैश हो रही है, सिर्फ एक मर्तबा इसको आप इस तरह प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल गल गई हैं और आराम से मैश हो रही हैं। इस दौरान ये जो दूध है ये भी ड्राई होता जा रहा है इसके अंदर, तो हमने आँच को मीडियम रखा हुआ है इस टाइम। और जब ये अच्छे तरीके से मैश हो जाए, बिल्कुल इसका फ़ाइन पेस्ट भी हमें नहीं बनाना है, जिस तरह से गाजर का हलवा होता है उसी तरह से रखना है। तो जब ये मैश हो जाए तो उसके बाद आपको इसे सिर्फ ड्राई करना है। और देखें इस तरह का कोई आप नॉन स्टिक में यूज़ मत करें, अक्सर लोग इस तरह से नॉन स्टिक में यूज़ कर लेते हैं और नॉन स्टिक उनका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। यहाँ पर आप ऐड कर दें हसबे ज़ायका चीनी, मैंने ऐड की है तकरीबन 1/3 कप। अब हम इसे बस मीडियम हीट के ऊपर पकाते जाएँगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि सारा दूध जो है इसमें से ड्राई हो जाए और जो ऑयल या घी हमने ऐड किया था वो बाहर आ जाए। मैंने बहुत ही कम घी इस्तेमाल किया था यहाँ पर, 2 टेबल स्पून, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मीडियम हीट के ऊपर हम इसे पकाते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर दूध का टेस्ट आएगा। अगर अलग से आप खोया ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना दूध की वजह से खोए का टेस्ट भी इसमें साथ ही आ जाएगा। तो देखें मैं इसे मुस्तकिल इस तरह से स्पून से मिक्स करते हुए पका रही हूँ और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ऑयल सेपरेट होने लगेगा। ज़्यादा ऑयल आपने ऐड किया होगा तो वो तेज़ी से बाहर आएगा, मैंने बिल्कुल कम ऐड किया था तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऑयल बाहर आ रहा है। अब आप इसको जितना चाहें पका सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी ड्राई हो जाता है। तो इस टाइम आप यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से पका लेने के बाद इसमें नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, इसे गार्निश कर सकते हैं। तो नट्स आप डायरेक्टली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें नट्स ऐड करने के लिए एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल या घी ले लूँगी 1 टीस्पून के करीब, और इसके अंदर कुछ नट्स अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर लें और इसे हल्का सा फ्राई कर लें। ये फ्राई होने से बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी से हो जाते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको आप इसके बाद ऐड कर सकते हैं अपने गाजर के हलवे में, डायरेक्ट ऊपर से ऐड कर दें या मिक्स कर दें बीच में। इसको हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे अब गाजर के हलवे को, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खोया ऐड कर रही हूँ। खोया मेरा होममेड है, ये अभी अभी मैंने उसी पैन में बनाया है जिसके अंदर मैंने नट्स फ्राई किए थे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बहुत ही मज़ेदार और क्विक ये खोया बन जाता है।
तो इसके ऊपर अब हम लास्ट में नट्स ऐड कर देंगे। तो बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली यह रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।